हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SJVN शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आज के सेशन में भी वापस से हम लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। अगेन हम लोगों को आज यहाँ पे तकरीबन 3.5% की गिरावट के साथ SJVN के शेयर यहाँ पे क्लोज हुआ है। और प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है तकरीबन 10% से ज़्यादा का गिरावट इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 45 के लेवल से कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा ये अभी हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है फिल करने के लिए। तो अगर यहाँ पे 55 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर स्टॉक जो है इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस अगर हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखेंगे तो एक कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिल रहा था। यहाँ पे कंटिन्यूस आपको मोमेंटम हुआ, एक वीक हॉल्ट किया, वापस से यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक लॉन्ग वीक है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एक हम लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद वापस से 50 के लेवल पे एक सपोर्ट लेके स्टॉक में अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, रिट्रेसमेंट में बाइंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन जब यहाँ पे डेली चार्ट पे एक रिवर्सल पैटर्न आएगा उसके बाद ही हम लोग इस स्टॉक में जो है बाई करने के लिए देखेंगे। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, और अगर आप लोग ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।